आज हमारे पास MI Note 4 है, इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि इसके MMC ख़राब है। चलिए दिखाते हैं हम पहले MMC चेक करके आपको कि MMC में क्या इशू है। आइडेंटिफाइव की हमने MMC लगा के, अभी ये रीड नहीं कर पा रहे MMC, जैसे आप देख पा रहे हो। तो कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि हम MMC चेंज करते हैं तो फ़ोन लोगो स्टॉक पर रुक जाता है, यानी लोगो पे रिस्टार्ट रिबूट होता है। आज हम आपको सही तरीका बताएंगे कि किस तरीके से करा जाता है इसे फ्लैश। उसके लिए स्पेशल फ्लैश फाइल आती है जो प्रोग्राम करनी पड़ती है। चलिए अभी सबसे पहले हमारे पास एक ओल्ड MMC है, उसको पूरा फॉर्मेट वगैरह इरेज कर देते हैं, उसके बाद हम इसके अंदर वो करेंगे फ्लैश, ठीक है। देख लीजिए ये मेमोरी है हमारी 32 GB वाली है, ठीक है। तो ये हमें बता रहा है 29 GB कुछ, तो ये 32 GB पकड़ा जाता है। अभी हम इसे फुल इरेज करेंगे एक बार, फॉर्मेट भी कर देंगे एक बार, कि जितने भी पार्टीशन रहते हैं वो डिलीट कर देंगे। और जो ये MMC हम डाल रहे हैं, इसका पार्टीशन सेम वही है जो दूसरे हमारी MMC का रहता है। देख लीजिए पार्टीशन है 4096, तीनों ही पार्टीशन चाहिए, boot 1, boot 2। और अभी फॉर्मेट कर दिया, अभी हमने RPMMB उसका भी वही फॉर्मेट चाहिए 4096। अभी फिर से एक बार वो इरेज कर लेते हैं, इसके बाद हम इसकी हेल्थ चेक करेंगे और नन टेस्ट भी कर ही लेंगे लगे हाथ। देख लीजिए अभी हेल्थ दिखाएगा, यहाँ पे इसका 0 से 10 तक के रहना चाहिए हेल्थ, ठीक है, चल जाएगा। 10 से 20 भी चल जाता है, उससे ज़्यादा रहा 40 से 50 60 ऐसा कुछ, तो वो MMC की उतनी कोई गारंटी नहीं रहती है, इतनी हेल्थ भी चल जाती है, ज़्यादा यूज़ नहीं हुई MMC। चलिए अभी एक बार नन टेस्ट भी कर लेते हैं, इसके लिए कन्फर्मेशन यस करनी पड़ेगी। देख लीजिए ये भी सक्सेसफुल है नन टेस्ट भी। चलिए अब यहाँ पे हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा कॉलकॉम जैसा हमारा मॉडल है, और जो हमें फ्लैश करना है नॉर्मल, जो हम जो नेट से फाइल डाउनलोड करते हैं उससे एक बार फ्लैश करना है। तो प्रोग्राम फाइल सेलेक्ट करनी है, चलिए पूरा फोल्डर ही कॉपी कर लेते हैं, लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो क्या है दोबारा फिर से उसमें अंदर जाना पड़ेगा, उसकी झंझट नहीं रहेगी। चलिए दोनों फाइल सेलेक्ट हो गई है, अब इसके बाद हमें ये कर फ्लैश पे क्लिक। और हमने इसकी स्पीड बढ़ा दी है, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये इसको फ्लैश होने में तकरीबन लगता है नॉर्मल टाइम 6 से 7 मिनट। हमने इसे कुछ कर दिया कुछ सेकंडों में, एक आध मिनट में, सेकंड में आधे एक मिनट में कर देंगे, जैसा भी हो देखा जाएगा। वैसे ये फटाफट सिस्टम फाइल चढ़ रही है, आप नॉर्मल करेंगे तो बहुत समय लगता है इसे, 6 से 7 मिनट का आ जाता है। ये प्रोसेस जल्दी होना चाहिए इसलिए हमने इसे फास्ट रखा है। और इसकी जो स्पेशल फ्लैश फाइल रहती है ये आपको परचेस करनी पड़ती है, तो मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएंगी। ये देख लीजिए हमारा फ़ोन फ्लैश फ्लैश हो चुकी है। इसमें बराबर यहाँ बता रहा है सॉफ्टवेयर वर्जन नोट 4 जो भी है, पूरी डिटेल बता रही है। चलिए अभी फटाफट इसको अब लगाते हैं हम मदरबोर्ड में और चेक करके बताते हैं फ़ोन में अभी क्या तकलीफ़ आ रही है, जैसे आप लोगों को आती होंगी वही तकलीफ। ये हमारी पुरानी MMC है और ये वाली नई वाली MMC है। चलिए थोड़ा फ्लक्स लगाते हैं, और इसकी हीट जो रखनी है हमें 350-300 के बीच रखनी है, MMC बढ़ जाती है उतने में।
और इसका डॉट जहाँ रहेंगे वहीं रखना है हमें, और बराबर बैठा लेंगे MMC, उसके बाद फ्लैश पे क्लिक करना बोल रहा हूँ मैं, MMC को हिट मारनी है। AR2 पे रखनी है, देख लीजिए हमारी MMC बैठ चुकी है। इसके बाद हम थोड़ा इसको टीज़र की मदद से हिला देंगे कि कंफर्म हो जाएगा कि बैठ चुकी है। यूजर से एक बार हिला के देख लेते हैं, और देख लीजिए आपको हिलते हुए दिख रही होंगी MMC अलग ही, ठीक है। अब इसको थोड़ा ठंडा कर लेते हैं फटाफट, फिर चेक करके बताते हैं आपको। चलिए फिर से हम स्पीड बढ़ा देते हैं हमारी वीडियो की, जिससे ये हुआ कि फ़ोन हमारा फटाफट फिट हो जाएगा। अब ये देख लीजिए, अब ये लोगो पे ऐसे स्टॉक होते रहेगा, लोगो लिख के आएगा, एंड्रॉयड लोगो चलेगा, फिर बंद होगा, सेम यही मेथड होते रहेगा। इसके लिए हमें ये करना है, इसके लिए स्पेशल फ्लैश फाइल लगेंगी हमें, जो मुझे आपको देनी पड़ेगी। आप नीचे मेरे नंबर पे दिए हुए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, या तो व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। देख लीजिए इसी तरीके से प्रॉब्लम रहेगा। चलिए अभी से हम ये करते हैं, स्पेशल फ्लैश फाइल से फ्लैश करते हैं, थोड़ा सा एक दो बार और दिखा देते हैं आपको कि क्या इशू आता है। देख लीजिए ऐसी लोगों पे बन चालू होते रहता है फ़ोन ही, जिसकी वजह से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। MMC चेंज करने के जो CPU और MMC रहता है एक दूसरे से पैच रहता है, तो वो पैच कैसा ब्रेक करते हैं आज हम सिखाएंगे। फ्लैशिंग से ही होता है, सिर्फ आपको फाइल लेनी पड़ेगी मुझसे, ठीक है। यहाँ पे हम एंड्रॉयड टूल बॉक्स में चले गए UFI के, यहाँ Xiaomi सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ मॉडल नंबर डालना है Redmi 4X, Redmi Note 4X। अब यहाँ पे फाइल, हमें यहाँ पहले इसका IC नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा, हमारा है 53 सेलेक्ट करना है, यहाँ लास्ट में IC नंबर 8953, और यहाँ से डायरेक्ट फाइल उठा के यहाँ रख देनी है। ये हमारी स्पेशल फ्लैश फाइल है जिससे अभी हम फ्लैश कर रहे हैं। बस सिंपली अब इसको ADL पे कनेक्ट करना है, सॉरी अभी ये फ्लैश नहीं होगा, इसके लिए हमें पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कनेक्ट करके। चलिए वो बताते हैं किस तरीके से किया जाता है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। ये देख लीजिए Qualcomm पे कनेक्ट हो चुका है सेट हमारा। अब आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ से पूरा उसका IC का डिटेल ले लेंगे, कनेक्टिंग है कि नहीं प्रॉपर, सब पूरा चेक कर लेंगे, CPU MMC ये पूरा कनेक्टेड है, ओके है। अब फ्लैश होने के लिए रेडी रहेगा। अब फिर से हमें इसे पाथ देनी पड़ेगी, चलिए फिर से दे देते हैं। रॉ प्रोग्राम फर्स्ट में देना है, सेकेंड में देना है पैच। पैच देने के बाद ठीक है, ये हमारा वर्जन है इसका लेटेस्ट 10.23। इसके बाद सिंपली फ्लैश पे क्लिक करनी है और थोड़ा वेट करना है फ्लैशिंग होने तक के। अभी हम इसकी स्पीड फिर से बढ़ा रहे हैं PC की।
इसको भी लगभग 7 से 8 मिनट लगता है पूरा फ्लैश होने में। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये हो चुका है हमारा फ्लैशिंग डन। अब सेट के फिर से हमको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी इसके लिए, क्योंकि इसके अंदर ये प्रॉब्लम रहता है, इसको आगे बढ़ने में 7 से 8 मिनट खाता है। और वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए जो मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं। और ये फाइल की लिंक आपको नीचे मिल जाएंगी, उसके लिए आपको पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे मेरे। इसके अंदर IMEI डालना पड़ेगा हमें, उसका नीचे मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख के आप IMEI कैसे रिपेयर करते हैं आपको पता लग जाएगा। ठीक है, हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।